अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट। तो मैं आपको बताती चलूँ, स्क्वायर रूट हम जब सॉल्व करने लगते हैं तो उससे पहले ये बात ज़रूर अपने जहनशीन कर लें कि आपने वन का टेबल वन टाइम पढ़ना है, टू का टेबल टू टाइम्स पढ़ना है। जैसे वन वन जो वन, टू टू जो फोर, आपने टू का टेबल थ्री टाइम या थ्री का टेबल टू टाइम नहीं पढ़ना, आपने वन का टेबल वन टाइम ही पढ़ना है, टू का टेबल टू टाइम, थ्री का टेबल थ्री टाइम। ये इजिली रहेगा अगर आप अपने साइड में एक चार्ट बना लें। वैसे तो याद रहते हैं टेबल, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि जहन से निकल जाते हैं। तो बेहतर ये रहता है कि आप अपना साइड में कॉलम बना के ना उसमें आप ऐसे अपना टेबल एक राइट कर लें। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो सॉल्यूशन लिख के क्वेश्चन एज इट इज लिखती हूँ, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ऐसे मैं इसको पैटर्न बनाऊंगी, ठीक है। ये बनाने के बाद आपने इसके यहाँ अंदर अपना क्वेश्चन राइट करना है। अब आपने सबसे पहले जो चीज़ है वो आपने इनकी पेयरिंग करनी है। अगर आप इनकी पेयरिंग ना करेंगे तो ये पैटर्न ना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जरूरी है कि इसकी पेयरिंग की जाए। ऐसे आपने इसकी पेयरिंग कर ली, 9 और 6 का पेयर बना लिया, 12 का पेयर बना लिया। तो अब आप ये देखें, अब आपने क्या करना है, डायरेक्टली 12 को सॉल्व करना है। अब कहाँ तक आपने टेबल पढ़ना है कि आप 12 तक सॉल्व कर लें या 12 से कम आए वैल्यू। अब चलते हैं, 2 2 4 है, 1 1 7, 2 2 4 अगर हम लें तो बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा ना 4, तो इसको छोड़ दें, लेट इट बी। देन 3 8 3 times 3 is 9, ये बेटर है, मच बेटर। 4 4 16, तो 16 तो ज्यादा बढ़ोगे तो इज बेटर देन 9 ही ना ले लें हम। सो 3 3 is 9। ये चीज का ध्यान रखें, जो टेबल हम पढ़ेंगे और हमें 2 टाइम्स टेबल लिखना है, डिवाइड की तरह नहीं करिएगा, ये स्क्वायर रूट है, डिवीजन नहीं है। तो 3 times 3 3 times पढ़ेंगे, 3 3 is 9 हमने लिख लिया, और ऊपर हमने जो टेबल पढ़ेंगे ना वो ऊपर हाथ के हाथ लिखना तो बेहतर है। इसके बाद आपने यहाँ पर प्लस करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। आपने जो टेबल हम जहां तक पढ़ेंगे, जो आंसर होगा वो हम यहाँ लिखेंगे, जो टेबल पढ़ेंगे वो साइड में लिखेंगे। देन इनको हम प्लस करेंगे, 3 में 3 प्लस करेंगे 6, 12 में से अगर हम 9 माइनस करते हैं तो हमारे पास बचेंगे 3। यहाँ हमें माइनस करना है, देन हमने 96 एज इट इज लेना है अकेले। आप 9 नहीं ले सकते, सिंगल नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हम ऑलरेडी पेयरिंग बना चुके हैं ना, तो वो पूरा पेयर के साथ ही आएगा। लिखने के बाद अब हमने 6 के साथ यहाँ पर एक ऐसा टेबल रखना है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 396 है। मल्टीप्लाई करने के बाद आप नीचे नहीं लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे वैल्यू। देखते हैं कैसे लिखते हैं हम। अब हम रफ वर्क में चलते हैं, रफ वर्क कहीं भी कर लें, चलें यहाँ चलते हैं हम रफ वर्क में। के 6 के साथ अगर हम रखें 4, 4 4 16, 4 6 16, तो नहीं हो रहा सॉल्व। अगर हम 6 के साथ 6 का टेबल रखें, 6 6 36 में 3 प्लस करें, 396, तो ये करीब करीब है क्या, बल्कि एग्जिट हमारा क्वेश्चन, हमारा आंसर आ गया है 396। कौन सा टेबल पढ़ा है हमने, 6 का टेबल पढ़ा है। अब इसके बाद इस चीज पे ज़रा गौर करिएगा कि आपने यहाँ